नमस्कार, मैं वैशाली। मेरे इस YouTube चैनल में आपका स्वागत है। मेरी आज की रेसिपी है नारियल टमाटर प्याज की तड़के वाली चटनी। ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है। इसके लिए मैंने एक बड़ा टमाटर लिया है जिसे छोटे टुकड़ों में काट लिया, एक हरी मिर्च ली है, तो जितना आप तीखा पसंद करते हो उस हिसाब से ले सकते हो। और ये आधा मैंने कच्चा फ्रेश नारियल लिया हुआ है और एक बड़ा प्याज लिया हुआ है जिसे छोटे टुकड़ों में काट लिया है। स्वाद अनुसार नमक डालेंगे। तड़के के लिए तेल है और तड़के के लिए राई है एक छोटा चम्मच। तो मैंने यहाँ पर एक मिक्सर जार ले लिया है और उसमें मैं डाल दूंगी टमाटर और हरी मिर्च। और इसमें टमाटर है तो पानी डालने की ज़रूरत नहीं है पीसने के लिए, उससे आसानी से पीस जाएगा। और साथ ही अब मैं इसमें नमक भी डाल दूंगी। चटनी पीस लूंगी। ये देखिए, नारियल प्याज टमाटर की चटनी पीस चुकी है और आप देख सकते हो कि इसका कलर कितना अच्छा आया है। तो अब मैं इसे एक सर्विंग बाउल में निकाल लेती हूँ, फिर इसको तड़का लगाती हूँ। ये देखिए, चटनी को मैंने एक बाउल में निकाल दिया और यहाँ पे तड़का लगाने के लिए एक तड़का पैन में मैंने तेल गर्म करने के लिए रखा है। तेल अच्छा गर्म हो चुका है तो अब मैं गैस ऑफ कर दूंगी और इसमें ये राई डाल दूंगी। राई अच्छे से क्रैकल हो रही है, अब मैं ये तड़का डाल दूंगी और तड़के को अच्छे से मिक्स कर दूंगी चटनी में, जिससे इसका टेस्ट फ्लेवर चटनी में पूरी तरह से आ जाए और चटनी खाने के लिए बिल्कुल तैयार है। नारियल प्याज टमाटर की तड़के वाली चटनी बनके तैयार है खाने के लिए। अगर आप इसे तड़का नहीं लगाना चाहते तो तड़का आप अवॉइड कर सकते हो। ये चटनी ऐसे भी खाने में बहुत टेस्टी लगती है। तो आप भी इस चटनी की आसान सी रेसिपी को जरूर ट्राई कीजिए और कमेंट करके बताना ना भूले कि नारियल प्याज टमाटर की चटनी आपको कैसी लगी। और मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। तो मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। धन्यवाद।